नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुछि मु शुभश्री। प्रथम हेडलाइंस, ड्रग्स कारोबार मामला, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और भाई सोभी नारे एनसीबी चार्जसीट दाखल, 2000 पृष्ठा दस्तावेज में आउ 31 जन अभियुक्त सामिल। पश्चिमबंग विधानसभा लागि तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी घोषणा, सुप्रीमो ममता बानाजी लड़े नंदीग्राम, दीदी स्ट्रॉन्ग होल्ड भवानीपुर में ठिया हे शोभनदेव चक्रवर्ती। एनर्जी रिसर्च आसोसिएट सप्ताह, वैश्विक शक्ति और परिवेश नेतृत्व पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विश्वर शक्ति आवश्यकता को पूरण करने भारत ने निरंतर नेतृत्व। अठानबे वर्ष बयस अफुरंत आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छाशक्ति बल देखाइले आत्मनिर्भरशीलतार बार्ता, चणा मटर बिकि जीविका निर्वाह करुछन्ति यूपी राव रेलीर विजयपाल सिंह। केवाड़िया में मिलित कमांडर सम्मेलनी जोगदेले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्टाच्यू ऑफ यूनिटी मध्य परिदर्शन, सेना मुख्य जनरल एम नरवे, नौसेना मुख्य आडमिराल करमबीर सिंह भी उपस्थित। आसिबा संपूर्ण खबर को। पश्चिमबंग विधानसभा लागि प्रार्थी घोषणा करिछि तृणमूल कांग्रेस, 294 विधानसभा आसनरु 291 आसन पाई प्रार्थी घोषणा होइछि, जेउथिरे 42 मुसलमान प्रार्थी, एससीसी 88 एवं एसटी श्रेणीर 17 प्रार्थी रहिछन्ति। बाकी 3 आसन कालीपांगो, दार्जिलिंग एवं कार्सियांग आसन पाई ना घोषणा करिनाहंती टीएमसी सुप्रीमो। तेबे पूर्वतन मंत्री अमित मित्रा एवं मंत्री पूर्णेन्दु बसु निर्वाचन लड़े ना, विधानसभा परिषद गठन हेबो। टीएमसी सुप्रीमो ममता बानाजी एथर भवानीपुर परिवर्ते नंदीग्राम निर्वाचन लड़े और भवानीपुर शोभनदेव चक्रवर्ती टिकेट मिली। से क्रिकेटर मनोज तिवारी शिवपुर निर्वाचन लड़े, विधानसभा परिषद में यह दुई नेता थैथान होमता कहते। मोट 18 विधायकों टिकेट काटिंट दीदी, तेज ममता निज पूर्व घोषणा अनुजाई नंदीग्राम विधानसभा आसन प्रार्थी हे। ममता प्रार्थी ना घोषणा करने बेले मंत्री फिरहाद हाकिम, मंत्री पार्थ चाटार्जी, सांसद सुदीप बंदोपाध्याय प्रमुख नेता उपस्थित थे। पूर्व विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा दिन ममता प्रार्थी ना घोषणा करुते, चलित थर किंतु ममता विलंबरे प्रार्थी ना घोषणा कर। बेआईन ड्रग्स कारोबार मामला, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और भाई सोभिक चक्रवर्ती नारे चार्जसीट दाखल करी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। 2000 पृष्ठा दस्तावेज में आउ 31 जन अभियुक्त ना भी सामिल कर। ड्रग्स लिंक मामलें रिया चक्रवर्ती और सोभिक मुख्य अभियुक्त होता एनसीबी दर्शाई। सेप्टेम्बर 2020 में एनसीबी रिया को बेआईन ड्रग्स कारोबार मामलें गिरफ कर, यहापर एक मास धरी पचराउचरा जारी रखिता। तेब पर रिया को जमिन मिलता, यह प्रवर्तन निर्देशालय विभिन्न ड्रग्स मामलें रिया मोबाइल चार्जर बरणी देता। एनर्जी रिसर्च आसोसिएट्स सप्ताह अवसर में वैश्विक शक्ति एवं परिवेश नेतृत्व पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे आज संध्या 7 समय रे अभिभाषण प्रदान करेंगे। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च आसोसिएट सप्ताह विषय रे अभिभाषण रखे मोदी। शक्ति एवं परिवेश रे स्थिरता नाई प्रतिबद्धता पाई पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान करा जाउछि। प्रथम थर पाई एही सम्मेलनी संपूर्ण वर्चुअल जरिया रे हेउछि। एही अवसर रे अमेरिकार राष्ट्रदूत जोन केरी, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सह प्रतिष्ठाता बिल गेट्स एवं साउदी आरामको सीईओ आमिन नासिर मध्य सम्मेलनी रे जोगदेबे। सम्मेलनी रो चेयरमैन डानियल यर्गिन कहिछन्ती जे देशर तथा विश्वर शक्ति आवश्यकता को पूरण करिबा पाई भारत निरंतर भावरे नेतृत्व नेउछि। एही निरंतर उद्यम पाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एही पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विश्व स्तर में
प्रतियोगितामूलक कराइबा उद्देश्य रे सरकार बैक टू बैक संस्कार आणुछंती बोली कहिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकारको नीति एवं रणनीति स्पष्ट होइछि, कंपनी एवं उत्पादन को सर्वभारतीय स्तर रे प्रतियोगितामूलक करिबा पई आमको दिनको दिन काम करबाको पड़िबो बोली पीएम मोदी कहिछंती। प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टिंग स्कीम उपरे एक वेबिनार रे से यहा कहिछंती, अर्थनीतिर प्रत्येक विभाग को रूपांतरित करथुबारु सरकार बड़ पदक्षेप नेबा एवं उत्पादन रे गति एवं माप वृद्धि करबा आवश्यक बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। विगत एक वर्षर कोविड रो अभिज्ञता परे मु निश्चित जे एहा भारतर दायित्व उत्पादन अर्थनीतिर प्रत्येक विभाग को परिवर्तन करिथाय बोली पीएम मोदी कहिछंती। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना हो। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। इनमें आप सभी का योगदान प्रशंसनीय रहा है और कोरोना के पिछले एक वर्ष के अनुभव के बाद मैं कन्विंस हूं कि भारत के लिए सिर्फ मौका नहीं है, भारत के लिए दुनिया के लिए एक जिम्मेवारी है, दुनिया के प्रति भारत की जिम्मेवारी है। और इसलिए हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। उत्तर प्रदेश रो मिरट रे प्रथम उच्च वैषयिक पुलिस स्टेशन रो उद्घाटन होछि। नूतन वैषयिक ज्ञानकौशल माध्यम रे निर्मित एही पुलिस स्टेशन रो उद्घाटन करिछंती एसएसपी अजय साहाणी। एठारे कार्यालय रे बसिथिबा बेले सीधा सळक लोकप उपरे नजर रखिबार सुविधा रहिछि। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पूर्व प्रभारी थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने और यहाँ एसपी सिटी के निर्देशन में सभी लोगों ने सीओ बनपुरी ने एक टाइम करके थाना ये टीपी नगर की पूरी एक हाईटेक बिल्डिंग बनवाई है, जिसमें जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं उसके अनुरूप महिला हेल्प डेस्क को प्रमुखता से आगे उसको बनाया गया है। उसके अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक का कार्यालय, लॉकअप और जो भी हमारे थाने के रिकॉर्ड होते हैं उनको बेहतर तरीके से मेंटेन रखने के लिए उसमें एक अलग कंप्यूटर सेक्शन बनाया गया है, जिसका कि आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। उत्तर काश्मीर सोपोर स्थित बारामुला जिले में प्रथम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आरंभ करी भारतीय सेना। विशेषकर युव संख्या मध्यरे एही प्रसार को बढ़ावा पाई भारतीय सेना आरंभ करी प्रयास। एही नूतन पदक्षेपर मूल उद्देश्य हेउची स्थानीय युवक सीधा सड़क संजोग हेबा सह सेमानंकु सरकारक विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम विषय अवगत कराइबा। भारतीय सेनार एभली पदक्षेप को प्रशंसा करिछंती स्थानीय बासिंदा एवं काउंसिलर। एहा जवान आवम मध्यरे व्यवधान दूर करिबारे सहाय्य करिबो। तेबे एही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंदी थारु पंजाबी पर्यंत समस्त गीत बजाइबो। The local awam of Sopore in a much positive manner. Yes, there were times, challenging times in Sopore, but I think things are beginning to change. और Sopore की जो आवाम है वो आगे आके हमारे साथ काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एक अमन की दिशा में चल चुके हैं हम दोनों। हमारा यहाँ पर जो रेडियो स्टेशन बना है नॉर्थ कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन है, जिसका नाम है रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। और आज ऑफिशियली यहाँ पर इनॉग्रेशन इसकी हो गई है, हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और ये यहाँ पर सोपोर में बना हुआ है, जो कि सोपोर और बारामूला काफ़ी ज़्यादा एक एरिया है जिसको हम केटर करते हैं। बॉलीवुड के लिए होना चाहिए, बट हमारा एक डाइंग आर्ट है। हमारा यहाँ मुंबई में एक तबका ही इससे वाबस्ता है, वो इसी नाम से जाने जाते हैं, बांड मोहला ही। ऐसा ही डाइंग आर्ट है हमारा कल्चर और ये लडीशा वगैरह, उसको भी यहाँ पे प्रमोशन मिलनी चाहिए और हमारा जो लोकल ट्रेड है।
महाराष्ट्र राज्यपाल भागवत सिंह कोश्यारी को भेटिंट ट्रांसजेंडर संप्रदायर एक प्रतिनिधि दल ट्रांसजेंडर को नहीं गठित होता यह प्रतिनिधि दल समाज और सेमानक कल्याण पाई कार्य करने को लक्ष्य रखी पूर्व एक गुरुत्वपूर्ण विचार रे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसजेंडर लोक तृतीय लिंग बोली घोषणा करते भारतीय संविधान अनुजाई दि जा मौलिक अधिकार सेमानक पाई मध्य प्रजोज्य हेबो बोली कहितले सर्वोच्च न्यायालय मध्य ट्रांसजेंडर को पुरुष महिला किंवा तृतीय लिंग भाव में आत्मपरिचय करिबार अधिकार देछंती 2014 रे सुप्रीम कोर्ट देइतिबा एहि राय राज्य रे कार्यकारी होइनतिबा सेमाने अभिजोग करिछंती एने राज्यपाल आमको आश्वासना देइछंती जे से संपृक्त अधिकारी को सह आलोचना करिवे एवं समस्यार समाधान करिवे बोली किन्नर माने मत देइछंती हजार 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी अभी तक हमारे 6 साल हो चुके हैं जो अभी तक महाराष्ट्र में हमें अभी तक मिला नहीं है तो बोर्ड तो उन्होंने फॉर्म कर दिया है महाराष्ट्र में बोर्ड फॉर्म हो चुका है अभी 2020 में लेकिन अभी तक उसको एक्टिव होना ज़रूरी है उसमें बजट पास होना ज़रूरी है उनकी ज़रूरतों को समझना ज़रूरी है उनके एजुकेशन राइट्स हैं उनके मेडिकल राइट्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके संवैधानिक अधिकार हैं उनके मानवीय अधिकार हैं और कोविड के काल में हमारा किन्नर समाज एक दुर्लक्षित समाज तो था और कोविड के समय दुर्गतियाँ ज़्यादा हो गई मास्क सैनिटाइजर राशन मेडिकली और फाइनेंशियली उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए लॉकडाउन के वजह से गत वर्ष तुलन में 6.8% वृद्धि करी शुक्रवार दिन चीन तार प्रतिरक्षा बजेट 209 बिलियन डॉलर को वृद्धि करी छि चीन प्रधानमंत्री ली केवियांग चीन रो पार्लियामेंट नेशनल पीपुल्स कांग्रेस रे प्रतिरक्षा बजेट वृद्धि घोषणा करथिले एई बजेट वृद्धि को समर्थन करी एनपीसी मुखपात्र झांग युसुई गणमाध्यम को कहिछंती जातीय प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करिबारे चीन रो एई उद्यम कौनसी देश को आक्रमण करिबा कि विपदर कारण हेबापाई नुहे से आहुरी मध्य कहिछंती कौनसी देश अन्य मानक प्रति विपदर कारण हेउछि ना नाही ताहा से देश अनुसरण करुथबा प्रतिरक्षा नीति उपरे निर्भर करे चीन शांतिपूर्ण प्रगति पथरे यात्रा करबा को प्रतिबद्ध चीन जो प्रतिरक्षा नीति अनुसरण करुछि ताहा स्वभावतः निजर सुरक्षा पाई राष्ट्रायत्त संवादपत्र ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट अनुसारे गत वर्ष प्रतिरक्षा बजेट बाबदरे चीन 196.44 बिलियन डॉलर व्यवस्था करथिला राष्ट्रायत्त संवाद सरबराह संस्थान जिंगहुआ न्यूज एजेंसी रिपोर्ट अनुसारे क्रमगत षष्ठ वर्ष पाई चीन वार्षिक प्रतिरक्षा बजेट वृद्धि एकक अंकरे सीमित रखी ए वर्ष प्रतिरक्षा खर्च प्राय 209 बिलियन डॉलर हेबो बोली आकलन करा जाइछि भारतीय अमेरिकीय माने युक्तराष्ट्र अमेरिका को नियंत्रण करुछंती बोली राष्ट्रपति जो बाइडेन नासार वैज्ञानिक मानक सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे कथाबार्ता करबा बेले कहिछंती भारतीय वंशोद्भव संप्रदायर बहुसंख्यक व्यक्ति तांको प्रशासन रे नियुक्ति पाउथबा कथा को भित्ति करी बाइडेन ए कथा कहितबा जणा पडछि राष्ट्रपति हेबार 50 दिन रु कम समय मध्यरे बाइडेन तांको प्रशासन रो प्रमुख पदवी रे अन्यन 55 जण भारतीय अमेरिकियों को नियुक्ति देइछंती भाषण लेखकक ठारु आरंभ करी नासा पर्यंत तांको सरकार रो प्राय सब विभाग रे भारतीय वंशोद्भव माने स्थान पाइछंती मंगल ग्रह रे रोभर परसिवेरांस रो ऐतिहासिक अवतरण रे संपृक्त नासार वैज्ञानिक मानक सह होइतिबा वर्चुअल आलाप समय रे बाइडेन कहितले भारतीय अमेरिकीय माने देश को नियंत्रण करुछंती केभाटियारे मिलित कमांडर सम्मेलन में जोगदेले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहासह से स्टाच्यू ऑफ यूनिटी मध्य परिदर्शन करिछंती प्रतिरक्षा मंत्री सह सीओएएस जनरल एम नरवेन नौसेना मुख्य आडमिराल करमबीर सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना मुख्य मार्शल आरके प्रमुख उपस्थित थिले बयस 18 वर्ष हेले मनरे गभीर आत्मविश्वास एवं दृढ़ इच्छाशक्ति परिणत बयसरे कहा उपरे निर्भर नकरी निजे होइछंती आत्मनिर्भरशील चणा मटर बिक्री करी जीविका निर्वाह करुछंती उत्तर प्रदेश रावरील विजय पाल सिंह दृढ़ इच्छाशक्ति आगरे हार मानिछि बयस बयसर अपराह्नरे पहुँचिथिले भी भांगी जाइनि मनोबल आमे कहुछु उत्तर प्रदेश रो राबरेली रे बास करूथिबा विजय पाल सिंह को कथा
विजयी बयस 98 वर्ष होता बेले से चना मटर बिक्री करी परिवार प्रतिपोषण करने आत्मनिर्भरशील होती तेरे विजयी परिवार रे अन्य सदस्य थिले सुधा से कहा उपरे बोझ न हो आत्मनिर्भरशील हो बचा को पसंद करती बोली कहते परिवार लंबा जाए तीन लड़कों का परिवार है सब अला जाए अपने लड़के बच्चे लेकर कमा खा रहे और मैंने सोचा कि ये भी गरीबी में पड़े हैं हम तो खिलाएंगे तो और गरीब हो जाएंगे। एही बयसरे आत्मनिर्भरशीलता पई उत्तर प्रदेश सरकार विजय को 11,000 पुरस्कार राशि प्रदान करी उत्साहित करिसंती तबे परिणत बयसरे काहेकि से कार्यरत अछंती बोली पचरा जाइतिबा बेले श्री सिंह कहिसंती जे से घरे बसिबा को चाहु नांती कारण एहा द्वारा से दुर्बल अनुभव करिसंती पर बीच बीच तबियत खराब हो जाती है तो काम बंद हो जाता है। विजय को एभली दृढ़ मनोबल जोगु से आत्मनिर्भरशील हेबा सह अन्य मानंक पई सारिछंती प्रेरणा रौछ ब्यूरो रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। आसे प्रति खबर को गोटे पटे कोरोना टीका चलीथिबा बेले अन्य पटे कोरोना रो नुआ मामला सामना को आसुची खास करी महाराष्ट्र रे नुआ आक्रांत को संख्या बढ़िबारे लागिची एही सब को दृष्टि रखे किछि जिला रे कर्फ्यू मध्य जारी करा जाइथिबा बळे समस्त जिला रो प्रशासन को मध्य सतर्क रहबा लागि निर्देश जारी करा जाइछि जेउ माने सरकारी निर्देश नामक को बेखातिर करी नियम पालन करुनाहती होटल एवं विलंबित राति पर्यंत पब रे रहउछंती सेमानक विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जइबो बोली महाराष्ट्र मंत्री कहिछंती। कुछ दिन पहले वर्ली में कुछ पब के कंप्लेंट्स आई थी जहां पे देर रात जो है पब शुरू किया गया था और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई थी सरकार की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था तो उनके ऊपर जो है वो पुलिस कार्रवाई की गई और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करके गुनाह दाखिल किया गया। उसी तरीके से मुंबई शहर के अंदर अभी भी कुछ पब इस तरीके से देर रात अपना पब चलाने की कोशिश करते हैं और SOP सरकार की दी हुई फॉलो नहीं करते तो ऐसे पब्स के ऊपर कार्रवाई चालू है। आने वाले दिनों में और कड़क कार्रवाई जो होगी जो कोई सरकार की तरफ से परमिशन लेता है शादी करने का या बर्थडे करने का जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं और जो गाइडलाइंस उनको दी गई उसको फॉलो करना होगा। फिर चाहे रेलवे स्टेशन हो मास्क लगाने की बातें हो आपने देखा होगा कि मास्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत कड़क कार्रवाई जो है मुंबई शहर में हो रही है। मुंबई शहर में अब तक करोड़ों रुपया जो है वो दंड के नाम पे लिया गया है और आने वाले दिनों में जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो और कड़क कार्रवाई भी हो सकती है। आज उद्घाटन है वो वर्ल्ड स्किल सेंटर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के यही बहुप्रतीक्षित प्रकल्प को अपराह 5:30 समय उद्घाटन करेंगे। ओडिशा को तालीम प्राप्त मानव शक्तिर विश्व राजधानी करिबा लक्ष्यरे 18 महला WSC बिल्डिंगर प्रत्येक महला विभिन्न कौशल एवं एथि संबंधित वाणिज्य पई उत्सर्गीकृत हेबो। भुवनेश्वर विश्व दक्षता केन्द्र स्थापन पई चलित वर्ष बजेट रे 100 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। इडको पक्षरु मंचेश्वर शिल्पांचल रे छिडा होइतिबा 18 महलार एही स्किल सेंटर को विश्वस्तरीय ढांचारे तयारी करा जाइछि। राज्यर युवक युवती को दक्षता संपन्न भाव गढ़ी तोलिबा सह निजुक्ति जोगेबा को एही सेंटर खोला जाइछि। ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज मिलित भाव एही सेंटर को कार्यक्षम करिवे। 5 लाख वर्गफुट अंचल रे तयारी होइतिबा एही सेंटर रे छात हेलीपैड सुविधा रहिछि। दि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 रे उद्वेगजनक तथ्य सामना को आसिछि जेउथिरे कहा जाइछि जे राज्यर 31% छात्र छात्री निजुक्ति पई अयोग्य अर्थात सेमाने जे दक्षता आहरण करिछंती ताहा भल चाकरी पई पर्याप्त नुहे। निजुक्ति दक्षता थिबा प्रमुख 10 राज्य रे ओडिसा रो स्थान नाही। इंग्रजी भाषा हेउ किबा कंप्यूटर दक्षता आसाम और मध्यप्रदेश ठारु ओडिशा पछरे रहिछि। एथिरे राजस्थान मध्यप्रदेश कर्णाटक केरल तेलंगाना आसाम महाराष्ट्र दिल्ली तमिलनाडु और पश्चिमबंग प्रथम रु 10 स्थान रे रहिछंती। सरकार को एही पदक्षेप ओडिशा रो छात्र छात्री मानक दक्षता आहरण क्षमता वृद्धि करिवो बोली आशा करा जाउछि। अगत आसाम रु विदा हेबो भारतीय जनता पार्टी एभली मंतव्य देछंती AIUDF रो नेता मौलाना बद्रुद्दीन अजमल।
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अर्थात AIUDF धाबरी संसदीय निर्वाचन मंडली प्रतिनिधित्व करुवा मौलाना बद्रुद्दीन अजमल दाबी करिसेंति जे आसामरु भारतीय जनता पार्टी को विदाय देबा को दल लक्ष्य रखिछि। आमर मिलित मंच रे आसन बांटिबा एक प्रसंग नुहे, कारण आसामरु बीजेपी रो विदाय निश्चित करबा आमर मुख्य लक्ष्य। जेतेबेले आमे क्षमता को आसिबु आमे जागीरोड पेपर मिल एवं काचर मिल रो कागज को पुनर्जीवित करिबु। CAA आम पई एक बड़ प्रसंग बोली से कहिछति। अन्यपटे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा कांग्रेस ओ AIUDF रो मिलित मेंट को समालोचना करिछंति। से कहिछंति जे एहा एक सांप्रदायिक सहायता टे, किंतु आसाम निर्वाचन रे बीजेपी आगरे रहिबो। हमारे यहाँ खासकर हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग कोई मसला ही नहीं बना, कोई इशू बना ही नहीं, क्योंकि सबके पास सेक्रीफाइस का मूड है, सबका ओनली वन पॉइंट प्रोग्राम एक टारगेट है कि बीजेपी को इस मरतबा आसाम से दिल्ली रवाना कर देना है, और उस मामले में किसी को इख्तलाफ नहीं है। इस वजह से हम लोग सब मिल के सेक्रीफाइस के मूड से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। गठबंधन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो वो अप एंड डाउन करके हम लोग ख़त्म कर लेंगे, और इट्स ओनली मैटर ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा महागठबंधन ने कहाँ कितनी कितनी सीटें दी, किसको कितनी सीटें मिली। तो इसलिए ये हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। आज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आसाम एक ऐसा राज्य है जहाँ इंडस्ट्री रोज़ाना बंद होता है। पूरे भारत में जहाँ भी है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, वहाँ रोज़ाना एक पॉलिसी नया बनता है, एक इंडस्ट्री नया बनता है, बाहर की इंडस्ट्री रहती है, हमारे यहाँ जो है वो भी ख़त्म हो रही है। इसीलिए हमने दोनों पेपर मिले, इसका हमने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी आएगी तो हम दोनों पेपर मिल, चूट जो हमारा जागी रोड पेपर मिल और कछाड़ पेपर मिल, ये दोनों को हम लोग खोलेंगे। सर्कुलर कानभास रे चित्रित हेला नेताजी जीवनर चित्र। मध्यप्रदेश जबलपुर शहीद स्मारक प्रांगण में एक सर्कुलर कानभास रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जीवनी चित्रित होती। नेशनल म्यूजियम ऑफ आधुनिक आर्ट द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित होता। विगत जनवरी 23 रे नेताजी 125वां जन्मवार्षिकी पालन कर माई हाथी कानेनी को प्रजनन साक्रेबाइल हाथी शिविर को अणाई। चित्रदुर्गा जिलार मुर्गा मठ्रु शिवाओ मेघस्थित साक्रेबाइल कानेनी को रखा प्रजनन पर 3 मास समय लगे, से समस्त प्रकार क्यांप्रे व्यवस्था कर very great mutt of Murugarajendra Swamiji. So that Kaneni, the name of that elephant is, female elephant is Kaneni, aged about 20 years. We have brought that particular elephant for a reason of reproduction only. So we have brought it, the health of elephant is very good. And we have in captive we have 9 male elephants, and in forest we have 3 male elephants, tuskers, very good tuskers. So the our idea is to make a very good atmosphere for that particular female elephant for a copulation reproduction. 100% we will succeed. महिला हेबे सशक्त एवं आत्मनिर्भर एभली लक्ष्य नहीं साहाज्यर हाथ बढ़ाई पुंच जिलार उद्यान कृषि विभाग। कृषि विभाग 400 अधिक महिला को फल और पनीपरिया संरक्षण तालीम प्रदान करा, जहाँफल महिला आत्मनिर्भर होगा सह उत्पादित फसल को स्थानीय बजार बिक्री कर अर्थ उपार्जन कर। कम से कम 400 लेडीज़ को कवर किया है, इंक्लूडिंग डेमोन्स्ट्रेशन, 4 वन मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं अलग अलग जगह पे, और उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेशंस भी अलग अलग गांव में जाके हमने किया है। इसमें बेसिकली हमारा जो ये कहते हैं हम फ्रूट एंड वेजिटेबल यूटिलाइजेशन सेंटर, कैनिंग सेंटर, इसमें हम भी जो हमारा प्रोडक्ट जो पोस्ट हार्वेस्ट जिसे हम बोलते हैं बचता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं।
ताकि हमारी जो लेडीज हैं जो मतलब घर पे गांव में दूर दूर रहती हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं किसी तरीके से भी, उनको हम डिपार्टमेंट की तरफ से 1 लाख का हमारा माइक्रो इंटरप्राइजेस एक फर्म हम देते हैं जिसमें हम क्या करते हैं उनको 50% जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। उसमें ये होता है उनको कोई 1 लाख में उनको वो सामान लेना पड़ता है सारा, छोटे अपना माइक्रो इंटरप्राइज खोलना पड़ता है जिसमें वो पिकल्स हो गए, जैम हो गए, स्क्वैश हो गया, वो छोटे मतलब अपने बेसिस पे छोटे छोटे इंटरप्राइजेस लगा के लोगों को बेच सके और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। हम यहाँ पे सेंटर पे जाए सीखते हैं, हमें एंटी सिखाते हैं जाज, यहाँ बहुत अच्छी सिखाते हैं, जब हमें यहाँ सीख जाएंगे तो हम अपना रोजगार शुरू करेंगे। ये हम अचार बनाने की जाँच सीख रहे हैं, यहाँ स्केच भी बनाते हैं, जैम बनाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं आंटी रोज आके, और हम डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, हम अपने इस पे अपना रोजगार भी सीख सकते हैं। समय से सोचिए बुलेटिन को इट रखू, नमस्कार।